हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले यार मोटिवेशन के बारे में। सो मोटिवेशन हम यूट्यूब पे देखते हैं यार, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, जैसे संदीप माहेश्वरी है, विवेक बिंद्रा जी है। सो इन सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा कुछ एक्सपोज वीडियो नहीं है कि इनको एक्सपोज कर दिया, और उनमें कुछ एक्सपोज जैसे करना है भी नहीं। और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं इनको टारगेट करके कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता। सो मैं एक मोटिवेशन के बारे में आपको सजेशन देना चाहता हूँ। और मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ यार, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ कि भाई मैं आपको मोटिवेशन का ज्ञान दूंगा या फिर बहुत बड़ा, लेकिन हाँ मैं आपको एक लर्निंग जरूर दे सकता हूँ जो मैंने इनको देख के सीखी। सो यार सबसे पहली बात, आपको मोटिवेशन क्यों चाहिए? सो सबसे पहली बात, मोटिवेशन हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम किसी चीज़ में लैक कर रहे हैं, या फिर हमको किसी चीज़ को नहीं करना है लेकिन वो करना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एग्जाम की प्रिपरेशन, हमको यार नहीं, अभी हर एक स्टूडेंट अभी 10 लाख बच्चे के एग्ज़ाम दे रहा है, ऐसा जरूरी थोड़ी है 10 लाख बच्चे को वो पसंद ही आए। उसमें से कुछ बच्चे रहते हैं जिनको लगता है कि यार नहीं मैं ये कर लूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरा मन भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेशन में, ऐसे ही लोग जो होते हैं लोग वो मोटिवेशन के लिए तलाश में रहते हैं कि भाई कोई मोटिवेशन दे दे तो मैं कल से पढ़ने बैठ जाऊँगा, क्योंकि सेंस ऑफ अर्जेंसी एक नहीं रहती ना उन बच्चों को, कि जो जिनका मन नहीं रहता। ओके, तो सबसे पहली बात तो यार मोटिवेशन क्या होना चाहिए और कहाँ से होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यार, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन चैनल के चैनल भी है जो आपको एकदम बूस्ट कर देंगे कि नहीं भाई ये वीडियो देखो, आप इस वीडियो को देखने के बाद मतलब आप 10 मिनट में पढ़ाई कर लोगे, एक रात में सिलेबस खत्म। सो ऐसे वीडियो होते ना यार, इन वीडियो को सबसे पहले आप इग्नोर कर दो यार, ऐसे वीडियो कुछ काम के नहीं रहते। सही मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे वीडियो कुछ काम नहीं रहते आपको। अगर हाँ इस वीडियो से आपको अगर लग रहा है आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन आ रहा है या फिर आ गया, तो मैं आपको बता दूँ यार, आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो, आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो। अगर आप इन मोटिवेशनल स्पीक ये वीडियोज़ देख के, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि संदीप माहेश्वरी या फिर इनकी बात नहीं कर रहा, मतलब जो भी ऐसे चैनल थे, फॉर आपको समझ में आएंगे ऐसे 2-3 और चैनल है कि फॉर एग्जांपल वो ऐसा एकदम जोश भरा एकदम मतलब ये एकदम कर दे कि भाई नहीं एग्जाम ऐसा वो ऐसा वैसा। सो ये चैनल से यार बच करो यार, ये चैनल बहुत टॉक्सिक है, नॉट इन द सेंस ऑफ दैट टॉक्सिक, बट ये एक स्लो पॉइजन है। मतलब आपको आपका वो डोपामिन इतना रिलीज अप कर देते, डोपामिन इतना हाई कर देते कि आपको लगता है कि भाई नहीं अभी तो बस मैं बस उड़ने वाला हूँ अभी मैं, तो इतना हाई कर देते और फिर होता कुछ नहीं है क्योंकि वो रियलिस्टिक है ही नहीं। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, 10 मिनट पहले की मेंटल सिचुएशन और 10 मिनट बाद की मेंटल सिचुएशन में फ़र्क आना, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होना है क्या? ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप 10 मिनट की वीडियो रहती एक मोटिवेशनल, सो आपको क्या लगता है 10 मिनट पहले जो आप थे और 10 मिनट बाद जो आप है उसमें क्या ही फ़र्क आ गया? क्या आपको पंख आ गया? क्या आप क्या हो क्या गया? आपकी बस मेंटल स्टेट चेंज होंगे, है ना? और मेंटल स्टेट चेंज होने से प्रॉब्लम, हाँ आप उसको पॉजिटिवली अप्रोच कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मतलब फिलहाल उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उस समय 10 मिनट का आपने 10 मिनट की वीडियो देखी, एक घंटे तक आपको उसका ये होगा और मतलब उसका इफेक्ट चलेगा, फिर उसके बाद बैक टू नॉर्मल। और ऐसा 10 मिनट पंप कर देंगे वो वीडियो, और जब आप बैक टू नॉर्मल होंगे तो आप पहले वीडियो देखने से पहले जिस स्टेट में थे ना उसके भी नीचे चले जाओगे। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सो ऐसे वीडियो अवॉइड करो यार जो आपको 10 मिनट में बहुत अप कर दे। कभी भी याद रखना यार, ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं करनी है जो अपने को टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन दे, ऐसी चीज़ ढूंढो यार कि जो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन दे। फॉर एग्जाम्पल यार, ऐसा कुछ स्किल्स सीख लिया अपन ने, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को एग्जाम है, मुझे एग्जाम के लिए मोटिवेशन चाहिए। हाँ मैंने ठीक है भाई एक आधी वीडियो देख ली कि भाई एग्जाम से ओवरकम, मतलब एग्जाम से हम मेंटल स्टेट में डील कैसे करते हैं वो वीडियो देखना एक अलग बात है, और सूडो मोटिवेशन कि नहीं भाई एग्जाम में मतलब मैं इतना लिखूंगा, इतना पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, रात भर पढ़ूंगा, रात भर पढ़ने का मोटिवेशन, ये छोड़ दो यार, ऐसा नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको लगेगा कि हो रहा है, आपको लगेगा इसी ये एक चीज़ का यही एक नुकसान है कि यार अपने को लगता है कि ये सब हो रहा है लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। मतलब अपने को लगता है यार कि नहीं भाई मैंने वीडियो देख ली और अभी मेरे पास मैं पढ़ भी रहा हूँ, यार आप पढ़ तो लोगे, कुछ दिन पढ़ोगे वो एक दो दिन के लिए अच्छा है भाई, लेकिन उसके बाद जो डाउन आएंगे ना भाई, उसके बाद फिर आपको लगेगा यार फिर वो वीडियो भी आपके काम नहीं करेंगे, फिर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए। इट्स लाइक अ ड्रग कि आपको उसकी नीड बढ़ती जाएंगी, कि अगर आपको आपको लग गया कि नहीं भाई इस वीडियो से मेरा फ़ायदा होगा ना, तो आप मतलब ऐसे वीडियो दिन भर देखते बढ़ जाओगे कि नहीं भाई इससे 2 देखूंगा तो और फायदा होगा, 3 देखूंगा तो और फायदा होगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता इससे। और ये फैक्ट है, आप किसको भी पूछो, किसको भी, मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हुआ और मैं सजेशन दे रहा हूँ, मैंने इसको खुद ऑब्जर्व किया, खुद नोटिस किया, इसलिए बोल रहा हूँ कि यार ये सब फेक है, इस चीज़ों में मत पढ़ो। मोटिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हो यार, मोटिवेशन पहली बात तो यार रियलिस्टिक रहो, दिमाग से सोचो यार कि नहीं भाई इस सिचुएशन को मैं कैसे डील करूँगा। सबसे पहली बात, आप स्मार्ट बनो, स्मार्ट मतलब यार चीज़ों को खुद के हाथ में लो, आप सिचुएशन को समझो। अगर आपके एग्जाम की तैयारी नहीं हो, अगर कौन सा भी प्रॉब्लम है यार, एग्जाम नहीं कौन सी भी प्रॉब्लम हो, तो यार खुद से पहले देखो कि यार नहीं भाई इस सिचुएशन को मैं कैसे डील कर सकता हूँ खुद से।
एक एक्सरसाइज करो उससे अच्छा कि फॉर एग्जांपल एक वीडियो है ना, अगर किसी क्रिएटर की वीडियो है और उसको अगर आपको टॉपिक सुनना है, फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिर हाउ टू वो रहते ना, हाउ टू ओवरकम दिस, हाउ टू ओवरकम दैट, वो वाली वीडियो, वो वीडियो स्टार्ट होने से पहले खुद को पूछो यार मुझे इसके बारे में क्या क्या पता है पहले से, और फिर वो कागज़ पर लिख दो कि नहीं भाई मेरे को एग्जाम से अगर अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, जल्दी उठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, इसलिए तो टाइम मिल जाएगा ना मेरे को, तो मैं टाइम कैसे दिन में से निकालूं पढ़ने के लिए, मुझे ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। ऑफकोर्स यार बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको अगर पढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, आपको टी वी देखना, फ़ोन देखना, ये करना वो करना, कम करना पड़ेगा ना, तभी आप पढ़वाओगे ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें, और ये चीज़ें आप एक कागज़ पे लिख दो और वो वीडियो देखो, वो वीडियो पे जो दिखाएंगा वो एक साइड में लिख दो, आप खुद टैली कर लोगे आपने और उस वीडियो में क्या फ़ायदा मिला। एक आधी वीडियो हो सकती है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे दे, या फिर हो सकता है वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने नहीं, आपके माइंड में नहीं आया हो, ठीक है वो दे दे, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन यार अगर आपका डिफरेंस कुछ अलग ही बता रहा है ना, तो वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि यार कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने भी ऐसी वीडियो देखी है लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री है, ये रहता कि नहीं भाई कुछ भी मिनट के लिए बहुत अच्छा लग जाता और इस चीज़ का ये फ़ायदा यार, तो इसका कंक्लूजन क्या है? सो कंक्लूजन एक ही है यार कि आप बी रियलिस्टिक एंड सिचुएशन को समझो। अगर आपको सही में आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको मोटिवेशन की गरज है यार, तो सबसे पहली बात तो यार मतलब आप टीचर से बात कर सकते हो, वो आपको मोटिवेट करेंगे, या फिर उस फील्ड में जो सीनियर्स है उनसे बात करो, या फिर आपको मोटिवेशन यार अपने को मोटिवेशन चाहिए नहीं सबसे पहली बात, ये बहुत गलत स्टेट है। अगर आपको मोटिवेशन की गरज पड़ रही है ना भाई, तो समझ लो कि आपको करने का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमेशा यार सोचना खुद से ये वीडियोस और ये सब देख के, क्योंकि इंटरनेट पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि बस मतलब टॉक्सिक कंटेंट, नॉट ऑन दैट वे टॉक्सिक, बट इट्स अ स्लो पॉइजनिंग यार, रियली इट्स अ वेरी स्लो पॉइजनिंग। या आपको मतलब आपको फील होगा कि नहीं भाई मैं बहुत अच्छे रास्ते पे हूँ, लेकिन एक यूट्यूब का वीडियो देख के, या फिर एक कुछ 10 मिनट का यूट्यूब पे कुछ भी देख के, यूट्यूब इंस्टाग्राम किसी भी चीज़ को देख के कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला कि ये कंटेंट क्या है। ये कंटेंट 10 मिनट का आपके स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर देंगे, सिचुएशन नहीं चेंज करेंगे, सिचुएशन आपको चेंज करनी है। तो सबसे पहली बात तो मैंने अगर इस वीडियो में किसी क्रिएटर को ऐसा टारगेट नहीं किया है, वैसे तो मैंने दिल से तो नहीं किया, आपको लग रहा है कि मैंने किसी एक्स वाई जेड क्रिएटर को टारगेट किया है, तो नहीं मैंने टारगेट नहीं किया है। मैं सारे मोटिवेशनल स्पीकर की रिस्पेक्ट करता हूँ, और सबसे पहली बात फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको मोटिवेशन किसी से पर्सन से लेना हो तो यार उसके काम से मोटिवेशन लेना चाहिए, ना कि उसके कंटेंट से। फॉर एग्जांपल विवेक बिंद्रा जी, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बहुत अच्छा उनका बिजनेस भी है, तो अगर आपको क्या बोल सकते हो, आपको मोटिवेशन लेना हो तो उनके बिजनेस से लो यार, क्या बढ़िया बिजनेस बनाया, क्या हेल्प करते हैं, ऐसा वैसा। सो लेकिन वो मतलब अभी वो भी ऐसा नहीं बोलते कि भाई ऐसा करो वैसा करो, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई भी क्रिएटर हो तो उसके काम पे मोटिवेशन लेना चाहिए, ना कि उसके बोलने पे कि यार वो बोल क्या रहा है। क्योंकि यार देखो भाई, जो जिस सिचुएशन में रहता है ना, वही इस सिचुएशन को समझ सकता है, बाहर से कितना भी कुछ समझा लेना ऐसा नहीं होता। और क्या लगता है आपको, जो अभी मोटिवेशन स्पीकर दे रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, उन्होंने कहाँ से, कौन सी यूट्यूब चैनल से दिखाया? कोई यूट्यूब चैनल नहीं दिखा उन्होंने, उन्होंने खुद को ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जज किया और फिर अपने डिसीजन से आगे बढ़े, ठीक है। सो आपको भी ये ट्रैप में नहीं फंसना है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट बता देना। मैं अभी बहुत सारे टॉपिक्स प्लान कर रहा हूँ जो यार मतलब ऐसा रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ठीक है। अपने को लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यार, मतलब मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होगी जो आपको सही में बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकूँ, लेकिन हाँ यार मैं जहाँ से सीखता हूँ, मतलब मैं भी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को देखता हूँ, तो उनसे जो सीख मिलती है ना यार, मैं आपको बता सकता हूँ। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।